सिक्किम का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हम लोग शूट करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री। जो थर्ड एसी है वो अब स्लीपर बन चुका है और स्लीपर का तो हाल कुछ ही। पर हमें थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी से चीजें रखनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा ड्रामा है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से रास्ता भूटान जाता है, कहीं पहाड़ खिसक रहा, कहीं रोड घुस रही है। बताओ जी, रोड फाइनली पहुंच गए अपने होटल सिक्किम में। यार रेट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। एक ये हमें बहुत कुछ यूनिक लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोलराइट कनेक्शन। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक ब्रांड न्यू सीरीज सिक्किम की। और इस सीरीज में सिर्फ ट्रेवल ही नहीं होगा, ट्रेवल के साथ साथ बहुत कुछ होगा। और सिक्किम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोग शूट करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, तो उससे अराउंड आपको सारी व्लॉग सीरीज देखने को मिलेगी। और आज डेट है 27 अगस्त। और इससे पहले ही हमने वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड का ट्रैक कंप्लीट किया था, तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली से सिक्किम किस तरीके से जाया जा सकता है और कितना बजट में जाया जा सकता है। तो बेसिकली हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं और ये हम फर्स्ट टाइम ही सिक्किम जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं, तो निकलते हैं जल्दी से रेलवे स्टेशन के लिए। यार तो हमारी उबर आ चुकी है और हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा हड़बड़ा भी रहे हैं, इसलिए फटाफट बैग्स रखते हैं और मिलते हैं आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ये पहुंच गए हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो यहाँ सामने से ही रास्ता ही दिख रहा है। ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। लगेज तो हो गया काफी अच्छा खासा। बेसिकली ये ऐसे मेंशन है प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये चीज भी काफी कन्वीनियंट है, नहीं तो बहुत नैरो होती है। ये पाथ भी बहुत नैरो होता है, आप देख सकते हो इतना चौड़ा है, इसके आधे से आधा होता होगा, से भी आधा। तो यार सबसे बेस्ट चीज ये है कि एक साइड यहाँ रैंप बना रखी है, एक साइड स्टेयर्स है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो यार फैसिलिटीज यहाँ पे काफी सही लग रही है, है ना? कहीं भी नहीं मिला यार इतने जगह का। रेलवे स्टेशन देख लिया, लखनऊ वखनऊ तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है यार। यहाँ से हमने करी है एंट्री और दो ट्रेन्स तो अभी लग रही हैं यहाँ पे। और ये जो हमने करी है थर्ड एसी, ये थी 1800 रुपये की, तो 3500 रुपये की हमें टोटल सामान को पड़ी सब टैक्स जीएसटी के साथ। तो है ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ही, बट ये मेंशन नहीं है कहाँ पे ट्रेन नंबर मेंशन है। मैं कह रही हूँ ये अच्छा है कि गर्मी में बाहर नहीं बैठना पड़ेगा, डोर्स खुल गए तो एसी में आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर नंबर आ रहा है कोच का वो A2 आ रहा है और A2 के सामने हमारा कोच है जो कि है B6। तो एक ये है हमारा बर्थ 64 और दूसरा ये है 58। दिक्कत ये है कि यार एक साथ जो मैं अप्लाई करा था ऑब्वियसली अपर लोअर के लिए करा था, जो यहाँ पे आएगा उसको पूछ लेंगे एक बार। जो थर्ड एसी है वो अब स्लीपर बन चुका है और स्लीपर का तो हाल कुछ ही मत, वो अब जनरल बन चुका है। तो यार ये सब खाना बड़ी मेहनत से सुबह सुबह हमने बनाया था और इससे सोने के बावजूद सुबह सुबह। तो यार ट्रेन की इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, मतलब थर्ड क्लास वैसे अब पूजा ने जो बोला था स्लीपर बन चुकी है और ऑब्वियसली वॉशरूम्स वगैरह भी अच्छे नहीं हैं। बोल लो कुछ। Thousands of tears later. तो फाइनली 2 घंटा लेट हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर NJP। ऐसा कुछ स्टेशन है, थोड़ा सा फील अलग है। फिलहाल हम बैठे हुए हैं, ये बेसिकली एक वेटिंग एरिया है, एक AC भी एक नॉन AC भी है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ पर आवर ही चार्ज है, बहुत ही रिजनेबल है। तो यार इस जगह रुके हुए हैं हम खाने का, फूड ट्रैक करके। यार ऐसा कुछ आलू पराठा मिला है हमें। तो यार फाइनली निकल रहे हैं बाहर। काफ़ी अच्छा था, मतलब यार खाना भी ठीक था और बस वो फ्राइड का मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उसकी स्टफिंग वगैरह क्वालिटी अच्छी थी। ये यहाँ का कुछ फील है, ऊपर जो प्लेटफॉर्म से पहले लॉबी रहती है। सिक्किम के जितने भी लोग होंगे वो यहीं से आना जाना करते होंगे मैक्सिमम, बाकी तो और भी होगा जो आसपास से सोच लगता है, बट दिल्ली वगैरह के लिए तो एटलीस्ट ये ही ऑप्शन रहता होगा। ये सिलीगुड़ी है शहर या जलपाईगुड़ी है? सिलीगुड़ी के अंदर आता है, सिलीगुड़ी के अंदर आता है। पहाड़ों में यार सुमो ही चलती हैं अभी। कुछ दिनों पहले जब हम जोशीमठ वगैरह में गए थे वहाँ भी हर जगह सुमो ही थी, सुमो या फिर बोलेरो। तो ये ओम साई बाबा टूरिस्ट करके है बेसिकली, क्या है यहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट कंपनी जो है इनका वो भी चलता है नाटक और आपको बोल के लेके आएंगे जैसा कि हमें लेके आए थे। हाँ
लेकर आएंगे तो कितना 500 गैंगटॉक, और यहाँ पे आके आपको पैकेज वगैरह सुनाने बताने लेंगे। तो एक वो टाइम वेस्ट है, आप सीधे ही बाहर निकलना खुद, और बाहर बतेरी टैक्सी लगी रहती है, नंबर से हो जाती होंगी, तो वही सेम 500 रुपये तो है ही, आपका फालतू का आना जाना ये बचेगा। ये है भैया भैया गाड़ी कितना, हाँ 500 रुपये पर पर्सन है ना, गैंगटॉक परिपाल ये लोअर चीचे सर, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा गाड़ी, ये देवरारी टैक्सी स्टैंड जाएगा, वहाँ से आपको टैक्सी करना पड़ेगा। अच्छा वहाँ से कितनी दूर है लगभग? 3-4 किलोमीटर। अच्छा छोटी टैक्सी मिल जाती होगी वहाँ। कितना रुपए लेता है वहाँ से टैक्सी यहाँ के लिए लगभग? 200-250। आगे बढ़िए। हमने आज का बुक कर रखा है और कल का हमने ऑनलाइन मतलब एडवांस पे कर रखा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि मोनेस्ट्री से जहाँ हम शूट कर रहे हैं और एक्चुअल गैंगटॉक से वो कितना दूर है, नहीं तो अगर थोड़ा वो दूर हुआ तो पास के भी बहुत ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे आराम से, फिर हम पास का देख लेंगे, एक दिन का टाइम भी मिलेगा हमें। बाकी यार इस बार हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी से चीज़ें रखनी पड़ेंगी, पिछले ट्रिप में तो ये सब मैं नहीं लेके आया था बिकॉज ऑब्वियसली कोई डॉक्यूमेंट्री का इतना मेजर सब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ मिला हुआ है तो मैं अपना पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आया हूँ, अपना मेन कैमरा लेके आया हूँ सोनी का, जो ऐसे मैं रनिंग एंड शूट्स में कभी बाहर लेके नहीं जाता हूँ, इस बार पहली बार ही लेके आया हूँ, तो उसकी ऑब्वियसली एक थोड़ी स्ट्रेस तो रहेगी। और प्रोफेशनल शूट्स में तो अपने अटेंडेंट्स वगैरह सब होते हैं देखने के लिए, अपनी प्राइवेट कार्स होती हैं, टैक्सीज होती हैं, हर जगह के लिए सब बुक्ड होते हैं, मोस्ट शूट्स में इक्विपमेंट हायर्ड होते हैं, तो वो एक सेफ्टी कंसर्न नहीं रहता, बट इस तरीके के ट्रैवल में शूट्स में तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रहेगा। हालत कुछ ऐसी हो रही है कि पसीनों में पस्त हुए पड़े हम लोग, और जब तक पूरी सवारी नहीं मिलती, और एक्चुअली 2-3 ट्रेन आएंगी अभी, राजधानी का टाइम होने वाला है 12 बजे, तो उसमें होपफुली कुछ सवारी आ जाए। अभी फ़िलहाल 8 लोग हो चुके हैं, 2 लोग और चाहिए हमें ताकि गैंगटॉक के लिए टैक्सी चले, तो लेट्स सी। बेसिकली ट्रेन अब ये भी है कि राजधानी कराओ चाहे कुछ कराओ, हम सोचते हैं राजधानी में 1-2 घंटे पहले आ जाएंगे, बट यहाँ पे आके सब बात बराबर हो जाती है, किसी चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस आप राजधानी से आ रहे हो फिर प्राइवेट अपनी टैक्सी कर रहे हो उसके बाद जा रहे हो, लेकिन शेयरिंग टैक्सी में सारी बातें बराबर हो जाएंगी। न्यू जलपाईगुड़ी से और सिक्किम गैंगटॉक पहुँचने का पूरा दिन ही मानो आपका वेस्ट रहेगा, कुछ बचेगा नहीं है सारे बाकी करने के लिए। ये हमें मिली थी गाड़ी, और इधर अभी थोड़ा कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं हम लोग, हालत हो गई है ख़राब, और वहाँ बहुत नाटक हो गया था यार, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा है वेस्ट बंगाल में, इतना बुरा हाल है यहाँ का वेस्ट बंगाल का। बेसिकली आपको 2 गाड़ी मिलेगी, एक सिक्किम की एक वेस्ट बंगाल की, तो सिक्किम के लोग फिर भी डिसेंट है, वेस्ट बंगाल में तो इतनी चोरी चकारी, और मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने भी हमें जो बताया ना, बेसिकली जो हमारे ड्राइवर है सिक्किम में, इतनी गुंडागर्दी और हर तरीके से, जैसे भी ये सब गलत चीज़ें हो रही है, चाहे पुलिस हो चाहे लोग हों, हर तरीके से करप्शन फुल मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है, तो वही चीज़ है, उसका शिकार हम भी हुए, कुछ ऐसा हुआ कि हम बैठे रहे और हमारे अच्छे होने की वजह से। एक दूसरे एक हमें ऑफर ही मिला था, एक बेसिकली एक और गाड़ी थी इनोवा, तो वो 2000 रुपये में हम दोनों को ले जा रहा था। अब यार इनोवा में जाना, आराम से जाना, एसी में जाना, और सिर्फ 3 लोग और होते हैं, बिना घिचकिच के जाना, वो हमने छोड़ दिया इस वजह से क्योंकि इससे बात कर ली है, तो कहीं इसको मतलब परे वही एक इंसान को लगता है ये पहले बात करके बैठ जाते हैं, तो बट एट लास्ट फिर बड़ा नाटक हो गया, और भी साथ की सवारी थी वो चली गई, फिर कुछ भी हो नहीं पाया, फिर देन हमें एक बार टैक्सी मिली फाइनली से करा, और अब आप रास्ते में हैं, रुके हैं, और अब सुबह से पराठे के बाद कुछ अब खा पा रहे हैं, और सर भी घूमने लगा था, चक्कर भी आ रहे थे यार, खा के थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद आपको बाहर के नज़ारे भी दिखेंगे। तो यहाँ से रास्ता भूटान जाता है, कितना दूर हो गया यहाँ से भूटान? भूटान आपको 2 घंटे के अंदर में आपको ऑर्डर दिख जाएगा। अच्छा पहले पहले का ठीक था, आदमी लोग का उतना दिमाग नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था वो ठीक था, अभी तो देखिए सर सब पढ़ा लिखा है, समझ आता है क्या गलत है क्या गलत नहीं है, उसके बाद ही परेशान करता है। देखिए कहीं पहाड़ खिसक रहा, कहीं रोड घुस रही है, बताओ जी रोड घुस रही है सर, इधर में भी मगर उत्तर जैसा नहीं हो रहा है, हाँ हाँ एकदम पूरा बस्ती, वहाँ पे भैया पूरा कंस्ट्रक्शन करके ना खोखला कर दिए पहाड़, ये दिक्कत है।
हाँ भाई क्या हाल है? हवा पानी चेंज हो गया क्योंकि बंगाल से हम आ चुके हैं सिक्किम। और यार मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। वहाँ पे हमें वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में मोस्टली बारिश मिली थी और वो थोड़ा हाइट पे भी था। यहाँ पे भी जाके अंदर पता चलेगी। बोल तो रहे हैं कि बारिश हो रही है काफ़ी, बट अभी तो नहीं है। अभी की बात करें तो अभी का एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा ब्रेक एक होल्ड लेने के लिए भैया रुके हैं। बाकी यार हालत हो रही है ख़राब लगभग ऑलमोस्ट कितने घंटे से? 26 घंटे। 26 घंटे तो कहाँ, 26 घंटे से बहुत ज़्यादा। कल सुबह के हम 5-6 बजे के चले हुए हैं, 6 बजे के चले हुए हैं। आज सुबह 6 बजे 24 आवर्स हो गया और ये 12 घंटे और, 36 घंटे तो ऑलमोस्ट 36 घंटे से हम बाहर निकले हुए हैं। और मतलब अभी नहाने का इतना मन कर रहा है ना, खैर यहाँ वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस जो हमें जोशी मठ में हुई थी। तो यार काफ़ी अच्छा फील है यहाँ का, हर जगह के पहाड़ों का फील, पता नहीं फील आता है, ये कुछ फील आता है। मतलब बहुत जगह तो बहुत विजिबल भी होता है बट कुछ जगह फील वाली बात होती है। ये है यार यहाँ से व्यू, मतलब बारिश ने हर जगह ही काम खराब कर रखा है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और कहीं पे अब एक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे कूड़ा कचरा, यहाँ सिक्किम में गैंगटॉक में रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे मार्केट का सिर्फ रूल्स ही नहीं, इंश्योर भी करते हैं कि वैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। फाइनली पहुँच गए हैं अपने होटल सिक्किम में गैंगटॉक में और ये है प्रॉपर्टी। यार है तो काफ़ी अच्छी बट बेसिकली जो मेन मार्केट का एक कट आता है वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर दूर है ये, बट प्रॉपर्टी तो अच्छी है। एंड पूजा ने कर दिया चेक इन, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। 207 बिल्कुल सामने ही है, लॉबी है, बहुत क्लीन है यार, अच्छे रूम यार। नीचे के लिए स्लीपर भी दिए इन्होंने। यार रेट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब सिर्फ 700 रुपए में यहाँ पे रेट्स बहुत कम है। और इससे पहले तो जब भी हम रुक के आए जोशीमठ गांगरिया और यार वहाँ तो मतलब बेहुदा हाल था, तो ये तो ऐसा लग रहा है इतने टाइम बाद जैसे पता नहीं क्या लग्जरी है। तो ये बेसिकली 700 रुपए है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड ये रूम है। अच्छा बेड थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है। और ये कबर्ड है, ये है बाथरूम और काफ़ी हाइजीनिक है, बहुत क्लीन है। फाइनली गीजर भी है। नहाते हैं, चेंज वेंज करते हैं और निकलते हैं। और कल तो पूजा का बर्थडे भी है तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन तो उसकी बनती है आज ही, बिकॉज कल यार कल भी देखेंगे लेकिन कल हम डॉक्यूमेंट्री में भी थोड़ा बिजी हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे लोगों से मिलना। हाँ एग्जैक्टली चीजें थोड़ा यहाँ का एक अब होता है कि लोकली थोड़ा एक्सप्लोर करते हो, खुद से ही कर पाते हो, किसी के बोलने से कुछ नहीं। जैसे कि अभी मैंने पूछा था ड्राइवर से कि नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए, तो हर कोई यहाँ पे पैकेज पुश करने आपको सेल करने की उसके लिए पुश करेगा अननेसेसरी की, बोलेगा नहीं जाती शेयरिंग टैक्सी, जबकि ऐसा नहीं है यार, मैंने और ब्लॉग्स वगैरह में देखा था। तो उसके लिए आपको लोकली भटक के मार्केट में फिर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये बेसिकली गैंगटॉक की मेन मार्केट है और इधर से रास्ता है एमजी रोड के लिए, एमजी मार्ग के लिए सॉरी। तो पीछे लाल मार्केट वगैरह ये सब भी पड़ती है और हम लोग निकल आए यार थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना। पहुँच गए एमजी मार्केट और ऐसा कुछ नज़ारा है, कैसा लग रहा है? शिमला में आ गए। What? तो बेसिकली इधर वॉक है पूरा, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होती होगी है ना, फिर उधर पीछे तक है, तो यहीं से यू टर्न ले लेते हैं। एक ये हमें बहुत कुछ यूनिक लगा और टाइमिंग्स का मेन ये है जो बताए यहाँ पे ड्राइवर्स वगैरह बहुत हेल्पफुल हैं, लोग यहाँ के लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं सुनकर। तो उन्होंने जो टाइम बताया वो मार्केट का है अराउंड 9:30 ये लास्ट है। बाकी यहाँ पे यार अभी खाने का थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या नहीं। और बाकी आपको इधर ये ब्रांडेड शोरूम्स भी मिल जाएंगे सारे, स्केचर्स वगैरह प्यूमा। तो बेसिकली ये वहाँ से टर्न करके आते हैं और ये इधर भी है सारा मार्केट,
किसी का घर है। तो यार अभी हो गई है बारिश और हम लोगों ने ले लिया है छाता, निकल रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। और मार्केट ही जल्दी ही क्लोज हो जाती है। ये भी अच्छा लग रहा है, द लेजी शेफ। हाँ। है ना, ये थोड़ा डिसेंट सा लग रहा है। यस। इसको डिसाइड करा हमने और यहाँ पे जाके देखते हैं, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। सो गाइस बेसिकली इसके बाद व्लॉग खत्म हो रहा है और हम लोग आउटडोर वहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे बिकॉज हम बहुत ज्यादा थक गए थे कंटिन्यूस ट्रैवल करने के बाद। और कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कल पूजा का बर्थडे है, और सेकेंड सबसे बड़ा रीजन है कि कल हम अपने सब्जेक्ट से पहली बार मिलने जा रहे हैं, जिससे कि आप भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे। तो एक जो मेजर फेस्टिवल सिक्किम का होता है पांगलाब सॉल, उसको हम बेसिकली कवर करने वाले हैं और उसकी जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है, हमारे साथ साथ आपकी भी होने वाली है। तो बने रहिएगा और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हमें, और हमें बेसिकली इसलिए भी पता है क्योंकि हमने वो ब्लॉग ऑलरेडी एडिट कर रखा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी अप्स एंड डाउन्स आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।